नमस्कार, दोपहर वार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। बुलंदशहर में जो कुछ भी हुआ वो क्या किसी साजिश का हिस्सा था? कल रात मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बुलंदशहर की घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। सवाल ये उठता है कि किस तरह की साजिश थी। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा में जो भी लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, गोकशी रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, अवैध स्लॉटर हाउस चलाने वाले जो इलाके हैं जिन इलाकों में चल रहे हैं उस इलाके के डीएम और एसपी सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है, अभी तक गिरफ्तार नहीं है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने वहां के पुलिस अफसरों की भूमिका पर भी नाराजगी जाहिर की। एसएसपी देर से पहुंचे, डीएम की भी थोड़ी ढिलाई रही। कुल मिला जुला के पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया, पुलिस प्रशासन पर एक तरह से दबाव बनाया मुख्यमंत्री ने कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह की साजिश थी, किसने साजिश की थी? इसी बीच में सुरेंद्र सिंह बलिया से विधायक, उनका बयान आया है कि पुलिस ने अपने आचरण के अनुरूप काम नहीं किया और पुलिस का चरित्र निंदनीय है। रामगोपाल यादव का बयान आया है, सुनील सिंह साजन का बयान आया है। कुल मिला जुला के इस पर सियासत तेज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि 19 मार्च 2017 से जब स्लॉटर हाउसेस बंद करने का फरमान मुख्यमंत्री जी ने जारी किया था तो ये स्लॉटर हाउसेस कैसे चल रहे हैं, कौन अधिकारी इनको चलवा रहे हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं और इनके खिलाफ प्रशासन या डीएमएसपी उस इलाके के क्या एक्शन ले रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि अगर गोकशी नहीं होती तो शायद ये घटना नहीं होती। सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी धार्मिक मजलिस वहां लगी थी, अगर वहां से अगर कोई चिंगारी फूटी होती तब कितना बड़ा ये मामला बनता। सवाल ये भी है कि पुलिस प्रशासन क्या अगर समय रहते चेत गया होता, समय रहते वक्त पे फोर्स आ गई होती या डिमांड कर दी गई होती तो शायद इंस्पेक्टर शहीद नहीं हुए होते। तमाम सवाल है, इस पे विचार विमर्श करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये साजिश किसने कराई, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी आशंका जाहिर की है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फरहत रईस खान साहब जो कि प्रवक्ता हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में आरएलडी के प्रवक्ता जावेद अहमद भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोपहर वार और देखते हैं कि बुलंदशहर में क्या बड़ी साजिश थी। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। मुख्यमंत्री जी ने बहुत नाराजगी जाहिर की है और इस घटना को लेके अफसरों को लताड़ लगाई है और इस घटना को लेकर काफ़ी सख्त हैं। उन्होंने एक बात की तरफ इशारा किया है कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, तो किस तरफ ये मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया है? देखिए रमन जी, घटना हुई है, घटना को आज तीसरा दिन है घटना हुए जी, दुर्घटना हुए। देखिए बुलंदशहर में एक धर्म विशेष के मानने वाले लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली सभी जगह से एक भारी मात्रा में लोग जुटे थे। बुलंदशहर प्रशासन ने उनकी पूरी व्यवस्था की और वो लोग आए और गए और इसके लिए प्रशासन ने जो क्राउड मैनेजमेंट और सब कुछ किया उसके लिए प्रशासन की प्रशंसा होनी चाहिए बुलंदशहर की कि इतने लोग आए और गए। उसी दौरान बड़ी भारी संख्या में बुलंदशहर ज़िले में ही क्यों गौवंश के अवशेष जगह जगह पाए गए एक बड़ी संख्या में। आज भी सुबह अनूपशहर है बुलंदशहर ज़िले का एक तहसील, वहाँ पर जहांगीराबाद में भी अवशेष पाए गए, चार लोगों की पहचान हुई है, उनकी गिरफ्तारियां हुई है। वो लोग उसमें से दो लोग बुलंदशहर जिले से बाहर के लोग हैं जी। तो ये सब क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का जो कारण है वो पूरी तरीके से राजनीतिक कारण है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से जातिवादी राजनीति का अंत हो रहा है, उत्तर प्रदेश के में जो विकास की राजनीति शुरू हुई है उसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पूरे देश की जनता यूपी मॉडल पर विश्वास कर रही है, यूपी मॉडल के साथ में कनेक्ट हो रही है
तो जो लोग उत्तर प्रदेश के इस विकास के मॉडल से नफरत करते हैं, जातिवादी लोग, वो लोग ये साजिश रच रहे हैं और उसी का परिणाम है। लेकिन फिर भी आप देखो कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में हमारे एक इंस्पेक्टर की जान गई, एक और नौजवान की जान गई, उसके बावजूद भी उस घटना को फैलने से रोकने का काम जो जो प्रशासन के द्वारा किया गया है, पुलिस के द्वारा किया गया है, वो सचमुच में बहुत उसकी काबिले तारीफ है। क्योंकि इस तरीके से ही गौरव सचिन की हत्या होने के बाद में मुजफ्फरनगर में जो हिंसा हुई, खेत की मेड़ तक दंगा पहुंचा और पूरी सेना तक वहां लगानी पड़ी, तो आज आप देखो ये जो दोनों स्थान हैं और जहां पर ये घटना हुई है, दोनों स्थानों के बीच में 60 किलोमीटर का गैप था, एक बात। दूसरा, जहां ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना के स्थान से वो हाईवे पर था, तो जो लोग मुरादाबाद और उत्तराखंड के इस इलाके से आने वाले थे उस हाईवे पर उन लोगों को उसके बाद में भी सुरक्षित निकालने का काम किया है। तो ये सारी चीजें मिलाकर कोई भी व्यक्ति जाकर अगर विश्लेषण करेगा, रमन जी, आप, मैं आपसे कहूंगा कि भारत समाचार विश्लेषण करेगा तो वो साजिश ही के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जी चंद्रमोहन जी, ये इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि 15 लाख लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा हुआ था और प्रशासन ने ठीक से मैनेज किया। लेकिन पुलिस के इंस्पेक्टर की जिस तरह मौत हुई और जिस तरह उनके साथी छोड़ के चले गए, थाने पर अटैक हुआ, उनके पास पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं था, पुलिस के अधिकारियों ने शायद स्थिति को समझने में थोड़ी देर अगर नहीं की होती तो शायद उनकी जान नहीं जाती। दूसरी बात, हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि वहाँ पर जो लोग भी इस तरह का माहौल ख़राब कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जब अवैध स्लॉटर हाउसेज बंद हो गए हैं तो आखिर ये स्लॉटर हाउसेज तमाम इलाकों में चल कैसे रहे हैं? चंदमोहन जी, आप मेरठ के इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं, हमें यह खबर मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरठ के इलाके को आप आसपास अच्छी तरह से जानते हैं। मेरठ के एक इलाके में म्यांमार के एक बड़े बिजनेसमैन ने रातों रात 300 बीघे जमीन खरीद के वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है और ये खबर मिल रही है कि उनके पास एनओसी भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से अधिकारी इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं? देखिए, जो आपने कहा कि हमने पूरी तरीके से अवैध स्लॉटर हाउस और अवैध स्लॉटिंग पर हमने रोक लगाया है जी, इसलिए जो अब ये जो घटनाएं आ रही हैं ये स्लॉटर हाउस की नहीं है, ये खेत में है, किसी की निजी जमीन पर है, कहीं किसी के घर की है, ये उस तरीके की वारदात है, इसलिए साजिश है। आज आप देखो मेरठ में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो दुर्गंध वातावरण में थी, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो दुर्गंध नहीं है। अलीगढ़ में जो हालात थे कि अलीगढ़ में जब पानी तक नहीं निकलना था और सब लाल हो गया था, तो जिस तरीके से बोर कर करके खुर्जा में सब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को पानी को गंदा करने का काम किया था 15 साल में, तो वो अब नहीं हो रहा है। तो ये हमने करके दिखाया है और लगातार किया जा रहा है। देखिए, कार्रवाइयां जब अवैध 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 कारोबार पर कार्रवाई होती है रमन जी, तो वो एक दिन की कार्रवाई नहीं होती है, वो लगातार चलने वाली कार्रवाई है। आज इस सबके पीछे मैं जोर दे के कहूंगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि इस सबके पीछे राजनीतिक जिन लोगों की दुर्भावना है, राजनीतिक एजेंडा है, वो लोग उत्तर प्रदेश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। प्रदीप सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, राजनीतिक दुर्भावनावश इस तरह के माहौल को बनाया जा रहा है और माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है, ये कौन साजिश कर रहा है? इस तरह की आशंका मुख्यमंत्री जता रहे हैं और चंद्रमोहन जी का भी कहना है, तो आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर माहौल कौन खराब कर रहा है? रमन, देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात तो बड़ी ईमानदारी से कबूल की, ये पूरा का पूरा मामला षड्यंत्र है। वहाँ के DM ये कहते हैं कि ये आंदोलनकारी जो सड़कों पर आए थे, और क्यों सड़कों पर आए थे, कि वहाँ अवैध स्लॉटर हाउस चल रहा था, यानी कि महीनों से चल रहा था। अब पूरे प्रदेश में 58 स्लॉटर हाउस रजिस्टर्ड हैं, हजारों से 1000 से ज़्यादा स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, ये अवैध हैं या वैध, ये योगी जी को बताना चाहिए। उसके बाद आप जहाँ बुलंदशहर की बात करें, बुलंदशहर की ये पहली FIR नहीं है, बुलंदशहर में पिछले 3 महीनों में 5 घटनाएं पुलिस में रजिस्टर्ड हैं, और वहां का DM अगर ये कह रहा है तो निश्चित तौर पर बगैर स्थानीय प्रशासन के समर्थन या सहमति के ये अवैध स्लॉटर हाउस का धंधा करने वाले लोग अपना ये धंधा चला नहीं सकते। अगर यह स्थानीय प्रशासन वहां मिला हुआ तो निश्चित तौर पर उसके पीछे कमीशनबाजी या पैसे या महीने का योग जरूर है। अगर वो पैसा स्थानीय प्रशासन पे जा रहा है तो ये पैसा वहां से चलते चलते लखनऊ की NXC के दरवाजे के अंदर तो नहीं जा रहा था,
ये सवाल है। और जहां और ये जो इस पे जब एक गंध जो निकल कर आ रही है कि वहां पर जो उस गांव के लोग जब ये बता रहे हैं कि हमने वहां पर रोकने का प्रयास किया, ये लोग वहां की ट्राली ले जाते हैं और सड़क पर जब लगाते हैं, स्थानीय गांव के लोग पहुंचते हैं तो उन पर गोलियां चलाते हैं और भारत माता की जय करते हैं। ये वो कौन लोग थे जो भारत माता की जय करते हुए वहां के थाने को भूख दे रहे हैं, भारत माता की जय सुबोध सिंह को गोली मार दो, भारत माता की जय थाना भूख दो, भारत माता की जय लव कुमार के एसएसपी आवास में घुस जाओ, उनके परिवार को प्रताड़ित करो, उन्हें जान से मारने की धमकी दो, भारत माता की जय जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, को आप लिंग के आधार पर गाली दो, भारत माता की जय है, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट करो, ये कौन सी भारत माता की जय है? और ये भारत माता की जय बोलने वालों पुलिस जो है उनके खिलाफ जो नाम प्रकाश में आ रहे हैं उनका पोर्टफोलियो भी बताने से डर रही है। चलिए फरहत राइस साहब से पूछते हैं, मनोबल तोड़ दिया है सरकार ने, ये देखना होगा कि कहीं ये पैसा जो एनएक्सी भवन में कम पड़ रहा था वो पैसा बढ़ाने की साजिश तो नहीं है। चंद्रमोहन जी बोलिए, चंद्रमोहन जी बोलिए, चंद्रमोहन जी बोलिए। देखिए प्रदीप 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 सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, भारत माता की जय से आप जिस तरीके से भारत माता की जय को व्याख्यायित करते हुए जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे आपको भारत माता से नफरत है। हम भारत माता की जय में आप भागीदार नहीं हो, तो आप भारत माता को नहीं मानते हो, आप वंदे मातरम नहीं गाते हो, आपको शर्म आती है भारत माता की जय बोलने में, इसलिए आपके मुख्यमंत्री बोल नहीं पा रहे, आपके मुख्यमंत्री बोल नहीं पा रहे, बढ़ाने की कोशिश दिखाई दी है, बोलते हैं आपकी भारत माता की जय हिंसा फैलाने वाली है। हम जब भारत माता की जय बोलते हैं तो कानून व्यवस्था पर बात करते हैं, राजनीति पर बात करते हैं, राज्य सुशासन पर बात करते हैं, सेना पर बात करते हैं, राज्य जवानों पर बात करते हैं। आप जब भारत माता की जय बोलते हैं तो गांधी की हत्या करते हैं, आप जब भारत माता की जय बोलते हैं आप भारत माता की जय बोलते हैं जो थाने फूंक देते हैं, आप जब भारत माता की जय बोलते हैं आईपीएस को लेकर आधार पर गालियां देते हैं, आप जब भारत माता की जय बोलते हैं कि आप कांग्रेस के साथ खड़े हो, आप कांग्रेस करने वालों के साथ खड़े हो, भारत माता की जय आपको नकारा है, जनता आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगी, आप नहीं गोकशी करने वालों का जो खड़ा है उसको सरकार गिरफ्तार करे, गोकशी करने वालों का जो खड़ा है उसको गिरफ्तार करे। हमारे साथ जावेद अहमद जी भी है और हमारे साथ फरहत राइस खान साहब भी है। जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बड़ी साजिश थी, किसकी साजिश थी? जावेद अहमद जी है, आप जब भारत जी बोलिए बोलिए मुख्यमंत्री, जावेद अहमद जी को सुन लेते हैं, जावेद अहमद जी को सुन लेते हैं। आपके आज आज कार्यालय नहीं खुले, आज कांग्रेस कहीं है नहीं, जावेद अहमद जी को सुन लेते हैं। अरे आप ये बताइए, आप भारत माता की जय को भी मनाते हो, आपको भारत माता की जय में विश्वास नहीं है, आप हैं इनके साथ बैठे हो ना, आप एक बात बताइए क्या बैठे हो, आप डिबेट को विकास की राजनीति चलेगी, विकास की बात छोड़िए छोड़िए, आप हथियारों को बचाने का काम कर रहे हो, आप पूरी तरीके से केवल केवल उत्तर प्रदेश में अलगाव पैदा करना चाहते हो, आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, आज उत्तर प्रदेश में आपको मुजफ्फरनगर नहीं हो रहा है, आज कोई जबरदस्त कांड नहीं हो रहा है, आप इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं, आप इस तरह की जुटा करेंगे, आप अलगाव की खेती करेंगे, आप बांटने का काम करेंगे, आपको देनी चाहिए, वहां जाकर प्रचार कर रहे हैं,
जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। चंदमोहन जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सुनिए, साइलेंस प्लीज। चंदमोहन जी, चंदमोहन जी, चंदमोहन जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सुनिए, साइलेंस प्लीज। चंदमोहन जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक ही थैली के चट्टे बट्टे परियों का चेहरा बेनकाब हो रहा है। एक साथ एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही स्वर में बोलेंगे। यार विकास के दुश्मन है ये, विकास के दुश्मन बोल रहे हैं ये, देश के दुश्मन है। अरे शहीद को चलमोल जी सुनिए, सुनिए बेनकाब हो रहा है, विकास के दुश्मन तेरा बेनकाब हो रहा है। आपका प्यारे हो, ये क्या कर रहे हैं, विकास के दुश्मन है ये, ये पैमरा के सौदागर है, चंदमोहन जी। चंदमोहन जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरी तरीके से प्रचार कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कम से कम एक बार तो उनके परिवार के लिए संवेदना तो दे। कल उनका परिवार मिलने आ रहा है, कल उनका परिवार मिलने आ रहा है। हमने कंट्रोल की है चीजें, अरे कंट्रोल करिए, जाके वहां प्रचार कर रहे हैं। चंदमोहन जी, चंदमोहन जी, क्या करी है? चंदमोहन जी, चंदमोहन जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चंदमोहन जी से बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल करी है। सुनिए सुनिए, यही कंट्रोल करा है ना, सुनिए। डीजे बोलना मत, एडीजे साहब बोलिएगा नहीं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि नहीं कोई भी संगठन का हाथ नहीं है। बताइए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर दबाव नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं है, किसी संगठन का है, बिल्कुल किसी संगठन का हाथ नहीं है, बिल्कुल किसी संगठन का हाथ नहीं है, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। आप जाओ ऐसा मुख्यमंत्री में मंत्री तो देखा नहीं आई, चार घर जाती थी शहीद के घर पर, सलाम तक नहीं कह रहा थे, सलाम तक नहीं कर रहा था। हो रहा है, आप उसी सरकार में थे, आप हत्या कर में दंगा हो रहा था, आप उसी सरकार में थे, आप आगरा में दंगे की हत्या हो रही थी। अरे हत्यारों, शर्म करो, गौरव सिंह के हत्यारों के साथ में सदा करने वालों, शर्म करो, मेरे गरीबान में जाओ, अपने पाप का प्रायश्चित करो। अरे पापियों, डरो, उत्तर प्रदेश की जनता से डरो, उत्तर प्रदेश की जनता ने कौन लोग हैं छोड़ा है, कौन है देखिए, डरो, गौ माता से डरो। आज जब गौ माता से डरने वालों पर यह रवैया हो रही है, आप उनके साथ में खड़े हो रहे हो। सर दुखा दीजिए एक बार, कम से कम शहीद को सलाम कर दीजिए आप उन। अरे आप ऐसे, आप जो नफरत की खेती कर रहे हैं, आप शहीद को सलाम कर दीजिए, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश सलाम कर दीजिए शहीद को। देखिए जनता ने, देखिए देखिए, ये हाल है देश का, ये देखिए मरने वाले शहीद को सलाम तक करने के लिए ये लोग तैयार नहीं। दे, देखिए ये देश का हालात है, ये हालात है देश का। शर्म आती है, अरे राजनीति मत करो, आप उसी पार्टी के हो, सरपंच यादव उसी पार्टी के हैं, सरकार में थे तो केवल दंगा होता था, केवल दंगा होता था, सरपंच यादव केवल दंगा कराते थे। आप दंगाइयों के पार्टी के हो, दंगाई हो, दंगाई दंगाई सबको पता है, हर दिन दंगा होता था, हर महीने दंगा होता था, हर जगह में दंगा होता था। आप क्या दंगाई हो, दंगाई के अलावा कहाँ गए? जावेद अहमद जी से बात करेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, डॉक्टर चंदमोहन, हत्यारों के साथ जाएंगे, कन्नौज जाएंगे। अरे जाति के राजनीति है भाई, जाति की पार्टी चलाने वालों, इंस्पेक्टर बेचारा जिसका परिवार का देश बनाने की जान कुर्बान कर दी, उसको ये मानने को तैयार नहीं, उसको सलाम करने को तैयार नहीं। जाति के अलावा कुछ मत करो, ऐसी चीजों का तो फू। चंदमोहन जी, चंदमोहन जी, चंदमोहन जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक जाति के नेता है जी। चंदमोहन जी, चंदमोहन जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपने कहा कि जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस थे, जो पहले ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे थे, वो अब नहीं चल रहे हैं, और ऐसे जो केसेस हैं, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसलिए कि बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं कि कहीं जंगल में हो रही थी, कहीं खेतों में, कहीं अवैध तरीके से हो रही थी। कंसर्न हमारा ये है कि अगर जंगल में या खेतों में इस तरह का कृत्य हो रहा है, इस तरह की गोकशी हो रही है, तो आखिर वहाँ पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? और आपने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसके पीछे हैं, इस तरह की गोकशी के पीछे या इस तरह की हिंसा भड़काने के पीछे, तो आप साफ साफ बताइए कौन लोग हैं। देखिए रमन जी, हमारी एकदम स्पष्टता है,
हमने अवैध स्लॉटर हाउसों पे ताला लगवाया है, उन्हें बंद कराया है। म्यांमार की कंपनी और चला रही अब है, जो पूरे प्रदेश भर में कल मुख्यमंत्री जी ने देखो ये बिलबिला बोलिए चंद्रमोहन जी बोलिए, ये अवैध कारोबारी बोलने लग गया, अवैध कारोबारियों की पार्टी का व्यक्ति बोलने लग गया। नहीं 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 अवैध कारोबार बिल्कुल बोलिए बोलिए बोलिए, अवैध कारोबारी बोलने लग गया। अवैध कारोबारी है ये बोलेंगे, ये अवैध कारोबारी है ये बोलेंगे, चंद्रमोहन जी ये सारा कारोबार भारतीय जनता पार्टी करा रही है, आप अपनी पीठ खुद ठोक रहे थे, केवल जाति की राजनीति करते हैं, भारत गुलामी की राजनीति का अगुवा बन गया। नहीं नहीं नहीं, आपने ब्राजील को बचाया, उत्तर प्रदेश की और समुदाय की राजनीति में भाजपा की सरकार बन गई, यादव जी ने केवल जाति की राजनीति के अंदर गुलामी क्रांति की अगुवाई आप कर रहे हैं, अखिलेश यादव शर्मा जी आप पर एक ही काम कर सकते हैं, जाति की राजनीति पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार की राजनीति देश को समाज बर्बाद किया, जाप आप फैलाने का काम कर रहे हैं, जाति संगठन आप कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, जाति संगठन आप कर रहे हैं, आपके पास कुछ है नहीं, केवल और केवल बांटने का काम करोगे, लगाने का काम आप कारोबारों का संरक्षण करोगे, आप पूरे देश को इस बात में ठोकने के लिए कुछ नहीं है, ये तो कोई पूरा प्रदेश बेहाल है, अरे अपने मरीज के का ये बोल रहे हैं, इसे पता लग रहा है, ये बड़ी सारी से इसका मतलब आज देश में आसान और आज देश में केवल और केवल व्यवस्था का फेल हुआ, आज क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी का आज गरीबों का कल्याण हो रहा है, आज गरीबों के मकान बन रहे हैं, इसलिए परेशान है, हताश है, निराश है, गुटखी में लोग हैं, अरे आपको बधाई देनी चाहिए बुलंद शहर की हिंसा की दाई में सरकार को, हिंदू मुस्लिम बधाई देनी चाहिए बुलंद शहर के प्रशासन को, जिसने सलाना समावेशन को शांति आपके उस मंसूबे को नाकाम करने का काम किया, इसलिए आप मंसूबे में आप सही पुलिस इंस्पेक्टर को बेकार नहीं जाएगी, भूल के आपकी जाति धर्म की नफरत की आग से देश सुरक्षित होगा, अरे आपको जाना करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण का काम कर रहे हैं, कोई कल्याण नहीं, पूरा प्रदेश जो है हमारा देश महंगाई की वजह से काम कर रहा है, भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, आपके शासन काल में जेल के अंदर अपराधी और माफियाओं का राज, देखिए जेलें पूरी तरीके से लड़ाई जा रहा है, तब्दील हो गई है जेलें, पूरी तरीके से इस घर में तब्दील हो गई है जेलें, पूरी तरीके से इस घर में तब्दील हो गई है, इसके अलावा अच्छा सुनिए सुनिए, कोई चीज नहीं है, कोई शासन नहीं है, पूरा प्रदेश भारत के केवलों से है, इसलिए बिल बना है, भरत राय सांसद सुनिए सुनिए, भरत राय सांसद से सवाल करते हैं, आपने दो एफआईआर लगाई एक पुलिस वालों की तरफ से, अरे आप भी तो आप लोग के दिखा दीजिए, आप लोग के दिखा भी नहीं है, आप नहीं है, आपकी तो हाजिर नहीं है, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सुनिए, फरज जी को छोड़ने की सब है, आइए आपकी कुंठाएं उजागर हो रही है, सुनिए सुनिए, फरहत राइस खान साहब, फरहत राइस खान साहब, सुनिए फरहत राइस खान साहब से सवाल, एक सवाल, एक सवाल फरहत राइस खान साहब से, फरहत राइस खान साहब से एक सवाल, जो कि प्रवक्ता है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के, राइस खान साहब एक 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 आपसे सवाल आपसे सवाल करेंगे, लेकिन सीधे चलते हैं डीजीपी कुछ बोल रहे हैं, फिर से बोलने को आ गए, चलिए फरहत रईस खान साहब एक बीजेपी विधायक हैं बलिया में बैरिया से, आज उनका बयान आया, हालांकि उनको कोई बहुत सीरियसली लेता नहीं है, इसलिए कि उनके बयान हमेशा इस तरह से विवादों से घिरे रहते हैं, उनके और ओम प्रकाश राजभर जी के, लेकिन आज दो तीन चीज़ें उन्होंने कही हैं कि बुलंदशहर कांड में पुलिस दोषी है, शासन को पुलिस ने बदनाम किया, पुलिस का चरित्र निंदनीय है,
और गाय काटने वाला पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा तो हिंदुओं का गुस्सा स्वाभाविक है, और पुलिस की गोली से कार्यकर्ता और इंस्पेक्टर की मौत हुई। अब क्या है कि अब अगर पुलिस की गोली से कार्यकर्ता और इंस्पेक्टर की मौत हुई तो फिर वहां माहौल किसी दूसरी राजनीतिक दल ने कैसे खराब किया? आपसे सवाल फरज जी। देखिए ये सब कुछ नहीं है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये जो हत्यारे हैं उनको बचाने वाले लोग हैं। ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे दबाव बनाया जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री ने तो कल साफ किया है कि जो भी इस घटना के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अरे तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशन हो रही तो कि पुलिस दोषी है ये लोग बता रहे हैं? ये पुलिस दोषी कैसे बताया जा रहा है? नहीं ये तो उनके एक विधायक का बयान है। विधायक को सस्पेंड करें जब इन्वेस्टिगेशन हुए 24 घंटा नहीं हुआ, ये लोग इस तरीके से बयान दे रहे हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और जिस एडीजी एलओ साहब ने कल क्या बयान दिया है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे नाम लेने का। अरे हम तो कहते हैं वाकई में ऐसी नौकरी, अरे जहां पे एक शहीद हुआ है कम से कम उसके परिवार को उसी सरकार में शामिल थे जो सरकार मुजफ्फरनगर करा रही थी, उसी सरकार में शामिल थे जो कन्नौज में दंगा कराती थी, जो हर दिन दंगा कराती थी। इसके अलावा कुछ नहीं। अरे भैया चुप रहो, दंगाइयों को बुलाते हो, आतंकियों को बिरयानी खिलाते हो, ये बताइए यहाँ प्रदीप सिंह जी सुनिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, प्रदीप सिंह जी, फरहत रईस खान साहब, जावेद अहमद, तीनों लोगों से एक सवाल पूछता हूँ मैं। फरहत रईस खान साहब सुनिए साइलेंस प्लीज, फरहत रईस खान साहब, जावेद अहमद जी और प्रदीप जी, आप तीनों से एक सवाल। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने 19 मार्च 2017 को अनाउंस किया था कि अवैध स्लॉटर हाउसेस बंद हो जाएंगे, हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अवैध स्लॉटर हाउस जो संगठित तरीके से चल रहे थे ये सारे बंद हो गए? कौन चलवा रहा है? निश्चित तौर पर जो दल सत्ता में है वो चलवा रहा है। 58 ऐसा चंद्र एक सवाल डॉक्टर चंद्रमोहन से। चंद्रमोहन जी देखिए आप उस इलाके के रहने वाले हैं और निश्चित रूप से आपका बहुत दखल है और पार्टी में भी आपका बहुत अच्छा दखल है। मैं उसी इलाके की एक रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि चूंकि सरकार ने दावा किया है कि कोई भी स्लॉटर हाउस इस तरह से नहीं चल रहा है, और अगर ये रिपोर्ट सही है और सही है रिपोर्ट, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ सरकार स्ट्रांग एक्शन ले। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, म्यांमार के एक कारोबारी ने मेरठ में मीट कारोबार का बड़ा जाल बिछा दिया है। अलीपुर के जंगल में बड़ी मीट फैक्ट्री लगाई है। एमडीए नगर निगम प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड समेत तमाम अन्य विभागों की स्वीकृति के बगैर मीट बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन सरकारी विभागों के अफसर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अब मैं इसको बताता हूं ये कहां पे है।
अलीपुर पिपली खेड़ा के जंगलों में कई सौ बीघा जमीन खरीदी गई है और यहाँ ओफल्स प्रसंस्करण इकाई है, यानी पशुओं के अवशेषों को प्रसंस्कृत कर उसकी पैकिंग करके बाहर भेजी जा रही है। ये 25 से 30 मीट्रिक टन का रोजाना का धंधा है। तो हम ये चाहेंगे कि चूंकि सरकार ने इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है और हम सब यही चाहते हैं, देखिए अगर ये गोकशी का धंधा नहीं होता वहां तो बुलंदशहर में हिंसा नहीं भड़की होती। हमारा भी यही मानना है कि जो इलीगल स्लॉटर हाउसेज हैं वो बंद हो, जब कानून है जब नियम है तो गोकशी नहीं होगी, हम भी यही मानते हैं। लेकिन एक चीज देखिए कि उस इलाके में अगर इस तरह की चीजें अफसर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चंद्रमोहन जी, हर हालत में इसको संज्ञान में लेकर इस पे कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है और कार्रवाई होगी। ये सरकार वो सरकार है, जांच होगी। भारत समाचार के पास पूरी सूचनाएं हैं। अरे भैया आप के दरवाजे के अंदर तो नहीं जा रहा ये पैसा। अगर आप ये स्लॉटर हाउस का समर्थन नहीं कर रहे और 58 स्लॉटर हाउस से ज्यादा स्लॉटर हाउस चल कैसे रहे हैं? 1000 स्लॉटर हाउस चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, 58 स्लॉटर हाउस वैध है जो बाहर में ले रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठे व्यक्ति हैं, झूठे लोग हैं, झूठी सरकार है। आप साफ बताइए, जवाब दीजिए भारत समाचार पर, 58 स्लॉटर हाउस वैध है, 1000 जवाब आपको देना होगा इन जवाबों सवालों से। अरे आप बच नहीं सकते, आप बताइए शिवपाल यादव जी जाएंगे वहां पर? शिवपाल यादव जी मेरठ जाएंगे? स्लॉटर हाउस की बातें नहीं चलेंगे? लाने जाएंगे क्या? ये देखिए, ये देखिए सरकार ये कर रहा है, झूठ बोलना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए, मतलब हालत बदल गया है, झूठ बोलना बंद करिए। चल रहे हैं पैसा में जा रहा है, वही भाषा बोलेंगे। अवैध कारोबारों पर आप करिए, मैं कहूंगा आप अच्छा प्रभावित निभाइए, आप अवैध कारोबार पर हमला बोलिए, आपको किसने रोका है? देखिए चंद्रमोहन जी पहचान लो, इनके चेहरों को दिखाओ चंद्रमोहन जी, अच्छा चंद्रमोहन जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चंद्रमोहन जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चंद्रमोहन जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चंद्रमोहन जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चंद्रमोहन जी देखिए सच्चाई आ गई सामने, चंद्रमोहन जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चंद्रमोहन जी बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चंद्रमोहन जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपने कहा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। साजिश के अगर बैकग्राउंड में हम देखें तो दो तीन ऐसे दृश्य आए थे, दो तीन ऐसी तस्वीरें आई थी, ऐसे विजुअल्स आए थे कि जिनसे दंगा भड़क सकता था। मैं आपको बता रहा हूं दो तीन चीजें। एक तो यह है कि जिस वक्त पुलिस टीम पर हमला हुआ उसके बाद वो औंधे पड़े हुए थे, उस समय गोली मार दी उस समय वीडियो कौन भीड़ बना रही थी और वो वीडियो सार्वजनिक किया गया, यह भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। दूसरी साजिश,
जो गोवंश के कटे हुए अवशेष उसको दिखाया जा रहा था उस वीडियो में, ये कौन दिखा रहा था? इसलिए कि आज भी एक ऑडियो आया हमारे पास, लेकिन हम उस वीडियो को कल वाले और आज वाले ऑडियो को नहीं चला सकते, इसलिए कि ऐसा चलाना ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, जिसमें कि कोई भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे या कोई भी दंगा बढ़के। अब हमारा कंसर्न ये है कि इस तरह की वीडियोस बना के उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कौन कर रहा है जिससे दंगा बढ़के? जो लोग हत्या कर रहे हो, चंदमोहन जी, चंदमोहन जी क्या बोलेंगे इसमें? इनको इन देखिए, अरे और कौन बोलेगा? अरे कहां बोलते हैं आप? अल्टीमेटम देते हैं हम लोगों को कि बंद करा के दिखा दीजिए। आज हमने अल्टीमेटम दिया हम लोगों को, बंद करा के दिखा दीजिए। आज कह रहे शिवपाल जी बंद करा दीजिए। हमने कहा है, क्या कहा है? दहशतगर्दों के खिलाफ हर कार्रवाई करेंगे। अरे तो आप ये कह दिए गोली मारने के बाद को जेल भेजा है, आपके सामने मवालियों का अपराधियों ने कोई अपराधी सवाल का जवाब है आपके पास? एक भी दंगाई गिरफ्तार किया आपने? आज भी मुख्य आरोपी बरार है और आप दंगा है ये बता दिला रहे हैं, क्योंकि FIR में कार्रवाई की बात कर रहे हैं और पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई ठीक नहीं है। सही आप सिंह राहुल गांधी कांग्रेस है, इनके बाबा कुछ है, राहुल गांधी कुछ है। देखिए देखिए, भारत माता से नफरत है, जो भारत माता अच्छा अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, चंदमोहन जी से करूंगा। विकास हमारा है, गरीब हमारा है, वंचित हमारा है, चंदमोहन जी हमारा है, हमारा है। चंदमोहन जी से एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, आपके पास केवल एक चंदमोहन जी से बहुत एक चीज है आपके पास, क्या की राजनीति आपको कहते रहे आपके पास? चंदमोहन जी आपके पास भूख है, आपके पास नफरत है, आपके पास दहशत है, आपके पास हिंसा है, आपके एक मिनट चंदमोहन जी से, चंदमोहन जी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, चंदमोहन जी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। अगला भी जा रहा है, पिछड़ा भी जा रहा है, दलित भी जा रहा है, आज सभी लोग। चंदमोहन जी बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। योगी सरकार की लोकप्रियता है जी, चंदमोहन जी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि हम स्लॉटर हाउस में बात कर रहे हैं। चंदमोहन जी से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, पूछ रहा हूँ मैं। चंदमोहन जी से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, चंदमोहन जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इस देश में जो स्लॉटर हाउसेस से जो लीगल तरीके से चल रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट से, मीट के एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आता है वो पिछले सालों के मुकाबले इस साल बढ़ा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जेन्युइन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, आप भी इस चीज से सहमत होंगे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो लीगल तरीके से जो स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कानून है हमारा गोवध निषेध अधिनियम, उसमें गोवंश यानी गाय बछड़ा बछिया जो कुछ भी है, जो गोवंश है उनका वध करना कानूनन अपराध है। अब क्या है कि जो भी स्लॉटर हाउसेज में, जो बड़े स्लॉटर हाउसेज हैं, आपने जो क्वेश्चन उठाया बड़ा जेन्युइन है कि खेतों में, गलियों में, छोटे छोटे मकानों में जो इस तरह से गोकशी हो रही है, आखिर उनको रोका कैसे जाए? इसलिए कि जब बड़े स्लॉटर हाउस में जो कि प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ये मीट पहुंचता है, तो वहां आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि ये किस चीज का है। अब दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, यहां से एक्सपोर्ट में चाइना को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, जो चूंकि चाइना से डायरेक्ट ट्रीटी नहीं है इसलिए वो टर्की के रास्ते जाता है। चाइना का एक और बड़ा सप्लायर है जो कि ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले यहाँ का मीट बहुत सस्ता पड़ता है। अब कंसर्न ये है कि हम सब चाहते हैं
कि अगर कानून बना है और गाय हमारी आस्था का विषय है तो गोवध या गोवंश का वध नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो गली कूचे में चल रहे हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? मुझे लगता है कि आपकी सरकार का ये एजेंडा रहा है तो आप ही इसको सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चंद्रमोहन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल रमन जी, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति और इस तरीके के गोवंश के साथ में कोई भी कारोबार कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं वो चल कैसे रहे हैं? बिल्कुल 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 आज आज चल रहे हैं, सबको भारत दुनिया में बीफ निर्यात के मामले में नंबर एक है। स्थान पर आपने सवाल पूछा और ये देखो ये देखिए मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि डीएम और एसपी की सामूहिक जिम्मेदारी होगी, डीएम एसपी की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। ये इसीलिए चिल्ला रहे हैं, ये विकास की बहस से भाग रहे हैं। आज चलिए चलिए हम उम्मीद करते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसकी साजिश है, इस राज से पर्दा उठेगा। चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फरहत रईस खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जावेद अहमद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस साजिश के पीछे अगर कोई है तो उसका पर्दाफाश हो। दूसरी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जिस इलाके में इलीगल स्लॉटर हाउसेस चलेंगे उसके डीएम और एसपी के खिलाफ एक्शन होगा। हमारा सवाल यही है कि जिन इलाकों में चलते आ रहे हैं उनके डीएम एसपी के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है, और यहां अगर बुलंदशहर में यह साफ बात सामने आई है कि गोकशी हो रही थी तो वहां के प्रशासन के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ कब एक्शन होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार।